हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पर्ल फेशियल। ये रूपमंता का पर्ल फेशियल मैं आज आपको करके बताऊंगी। बहुत ही बढ़िया फेशियल अभी साथ साथ में मैं करूंगी, साथ साथ आपको सारा इसके ऊपर एक्सप्लेन करूंगी। इसमें ना सब इसके ऊपर लिखा हुआ है, फेयर ल्यूमिनस फ्लॉलेस कॉम्प्लेक्शन। इसमें हमारे टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा क्लिंजिंग मिल्क है, स्क्रब है, जेल है, पैक है, और लास्ट में हमारा इसका नरिशिंग क्रीम है। तो इस तरीके से है इसकी पैकेजिंग। अगर हम खोल के देखें तो टोटल 5 प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर, और छोटी छोटी सी डिब्बियाँ हैं। ये जब ना डिब्बी वगैरह ख़त्म हो जाती है ना, तो इसमें मैं अपना होममेड कोई भी क्रीम या सीरम वगैरह बनाती हूँ तो वो इसमें फिल कर लेती हूँ, या और भी हम कुछ इसमें रख सकते हैं, बाद में भी ये यूज़ हो जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स के ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कौन कौन से स्टेप कैसे होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, टोटल स्टेप्स इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात भी करें तो 398 रुपीज़ की क्वाइट अफोर्डेबल किट है। 200 रुपये मतलब दो बार इसमें इजीली फेशियल निकल जाएगा हमारा, तो 200 रुपये के आसपास में हमें घर पे ही फेशियल मिलेगा। अपने कंफर्ट के हिसाब से हम इसे घर में ही कर सकते हैं। जैसे अक्सर मेरे पास ये वाला कमेंट आता है कि हमें फेशियल कब करना चाहिए, जैसे पार्टी में हमें जाना है या किसी शादी वादी में जाना है, तो उससे 2 दिन पहले हमें फेशियल करना चाहिए। और अगर आप कोई पहली बार फेशियल करा रहे हो ना, कोई पहली बार नई चीज़ ट्राई कर रहे हो, तब तो उसको डेफिनेटली 2-3 दिन पहले करना चाहिए, ताकि हमारी स्किन पर वो इजीली सेट हो जाए। तो इसमें हमारा सबसे पहले ये क्लिंजिंग मिल्क है। तो इस तरीके से है, ये छोटी सी क्लिंजिंग मिल्क की डिब्बी है, और इसकी ना खुशबू, इसकी फ्रेग्रेंस मार्वलस, बहुत ही प्यारी सी खुशबू है। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा प्रोडक्ट लेंगे, पूरे अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। और इस तरीके से 2 से 5 मिनट इसकी हल्की हल्की मसाज करेंगे, उसके बाद हम इसे वॉश भी कर सकते हैं और कॉटन से भी साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो है हमारा फेस स्क्रब का। फेस स्क्रब भी इस तरह, मतलब प्रोडक्ट ना देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है, और क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया है। तो इसके ग्रेन्यूल्स भी जो है ना, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है कि हमारे स्किन पे चुभेंगे, ऐसे नहीं है। इजीली हमारे ब्लैकेट्स वगैरह जो भी है ना, वो सब अच्छी तरह साफ़ कर देगा। सेम ऐसे स्क्रब को भी हम 2 से 5 मिनट मसाज करेंगे। स्क्रब को भी ना बहुत ज़्यादा अपनी स्किन पे नहीं रगड़ना, स्क्रब को हल्का सा नोज़ वगैरह पे रगड़ सकते हैं, जिससे हमारे ब्लैकेट्स हट जाए, पर बहुत ज़्यादा स्क्रब को ऐसे करेंगे ना तो वो हमारी स्किन को भी नुकसान करता है। तो इसलिए आराम आराम से हम स्क्रब को 2 से 5 मिनट करेंगे। स्क्रब करने के बाद में हम अपने फेस को वॉश ज़रूर करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्क्रब ना हमारी आंखों पे इधर उधर फंस जाता है, फिर उसके बाद हम क्रीम या जेल से मसाज करते हैं ना, तो फिर वो स्क्रब बीच बीच में अड़ता सा रहता है, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इसे ज़रूरी है कि हम स्क्रब को 2-3 बार अच्छी तरह से फेस को वॉश कर लें। अगर हम किसी का फेशियल कर रहे हैं तो टॉवल से या डिस्पोजेबल जो हमारे नैपकिन्स वगैरह होते हैं, उससे हम अच्छी तरह से अपने फेस को वॉश कर लेंगे। उसके बाद में, स्क्रब के बाद में, अगर हमारी ऑयली स्किन है तो बर्फ़ से हम थोड़ी देर इसकी मसाज करेंगे फेस की, 1 सेकेंड के लिए, मतलब 30 सेकेंड्स के लिए। और अगर हमारी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, उस टाइम पर हम स्टीम से मसाज देंगे अपने फेस को, इस तरह से पूरा से करके। अगर हमारे पास स्टीमर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पतीले में ना हम थोड़ा सा गर्म पानी से लेके टॉवल ऊपर डाल के इस तरीके से हम स्टीम ले लेंगे। उसमें ना थोड़ा सा नींबू निचोड़ लेंगे, तो उससे और भी अच्छा हमारा स्टीम आ जाएगा। ठीक है, स्टीम लेने के बाद में फिर हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा मसाज जेल का। तो इसका तो जेल देखो भाई साहब, हाँ ये कितना सुंदर है। खुशबू तो कुछ खास नहीं है इसकी, पर देखो कितना सुंदर। मैं पहले अपने हाथ पे ही लगा के दिखाऊँ इसको, ये देखो यहाँ तो दिख ही नहीं रहा, ये देखो इतना सुंदर शाइन कर रहा है ये। चलो इसकी ना फेस पे ही मसाज करते हैं। तो इस तरीके से मसाज जेल को कम से कम 10 मिनट हम अच्छी तरह से हल्के हल्के हाथों से मसाज करेंगे, पूरा हमारे फेशियल स्टेप्स को लेते हुए।
उसके बाद हमारा स्टेप फोर है। स्टेप फोर में हम फेस पैक अप्लाई करेंगे पूरे अपना फेस के ऊपर, ठीक है। और लास्ट में हम फेस पैक को अप्लाई रखेंगे कम से कम 15-20 मिनट के लिए, इसको लगा रहने देंगे। इस तरह से हम लेट जाएंगे। हम चाहें तो कॉटन ले लेंगे, उसको खीरे के जूस में डिप करके वो भी अपनी आईज पे हम इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में फेस पैक को हम वॉश कर लेंगे। और लास्ट में हम ये नरिशिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। हाय, ये भी बढ़िया है, वो क्लिंजिंग मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल थी। हाँ, तो ये लास्ट में ना नरिशिंग क्रीम जो है ना, ये तो ना बच भी जाएगी काफ़ी हमारी। ये तो महीना भर हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी ना नहाने के बाद में हल्का सा, जैसे डे क्रीम हम यूज़ करते हैं तो वैसे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा फेशियल ये कंप्लीट है। तो डू ट्राई, ये बहुत ही बढ़िया फेशियल है, आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो हम बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक आई लव यू ऑल, बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।